गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस व्लॉग। आज है 4th of July एंड अभी बच चुके 9:30 और अभी हम जाएंगे सीधा शेगांव और उसके बाद शायद चंद्रपुर और पता नहीं बीच में शायद प्लान्स चेंज भी हो सकते, नो आइडिया, जैसे कि कल ही बोला था। सो कोई नहीं, अभी बस पैक चेक हो गया, अभी निकलते चलो। तो भाई अभी हम पहुंचे हैं पंचकी, हमारे होटल से बस 1 किलोमीटर दूर था, तो ये देख लेते हैं फिर जाएंगे शेगांव। तो ये देखो यहाँ पे है पानी जमा होके, यहाँ से पानी गिर रहा है और इधर है पंचकी। दिखाते हैं, यहाँ पे आटा की हुपी साथ है। ऑलमोस्ट 1.5 सेंचुरी पहले से ये सब शुरू है भाई, और ये सब मैकेनिज्म, वाह। पानी गिर रहा है और टर्बाइन गोल गोल घूम रही है भैया, यहाँ से आउट और ये, वाह चलो अच्छा है, अभी जाते हैं। ये है अंडरग्राउंड हॉल, बहुत बड़ा है, ऊपर से दिखाऊंगा कि कहाँ तक जाता है, लेकिन ऐसे देख लो। लोगों ने यहाँ पे भी फोन नंबर निकाल के रखे, ऊपर जाते हैं। ये जो हॉल है वो पीछे से कहीं तो शुरू होता है और बताता हूँ कहाँ तो ख़त्म होता है। वो जो तुम्हें ये वाला यहाँ ये ब्लॉक दिख रहा है यहाँ तक, वो नहीं वाइट वाला, यहाँ तक ऑलमोस्ट शुरू होता है। ये भी पानी का है, इधर है, इधर बहुत कुछ है, अभी देखना पड़ेगा। चलो यहाँ पे है म्यूजियम, अंदर जाना अलाउ नहीं है, यहीं से देखते हैं। यहाँ पे तीर कमान वगैरह रखे हैं भाई, बाकी का तो उतना कुछ समझ नहीं रहा क्या है, बहुत कुछ है लेकिन। चलो अभी यहाँ से निकलते हैं, पास में शिवाजी महाराज का भी म्यूजियम है, वहाँ पर उनके साथ कोई तलवार और कपड़े वगैरह भी हैं, तो अभी वो देखेंगे। यहाँ से 3 किलोमीटर पे दिख रहा है, अभी बाहर निकले और शुरू हो गया पसीना। तो ठीक है अभी निकलते जल्दी से, वो देखते हैं और फिर डायरेक्ट शिकार। चलो सो ये जो पंचकी है वो इनके अंडर में है, और भाई चलो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो अभी हम पहुंच गए यहाँ पे, अभी जाते हैं अंदर। मस्त टोपे रख के यार, आधा घंटा हो गया और फाइनली अभी लंच और ब्रेकफास्ट दोनों कर लिया। वो दाल बट्टी एक्चुअली उसका क्या सीन था, 150 में एक पर्सन अनलिमिटेड खा सकता है, लेकिन अब आप ज़्यादा खा ही नहीं सकते हो, सो इन शॉर्ट वो काइंड ऑफ स्कैम है या स्ट्रैटेजी पैसा कमाने की। उसके जगह पे अगर राइस वाइस ले लेते थे सो वो मच बेटर रहता था। तो ठीक है कोई नहीं, अभी बस स्विंग कर रहा हूँ। बच्चा हो ना, तो बस अभी निकलेंगे, एक फोर्ट है, नाम याद नहीं आ रहा, वो फोर्ट जाना है, फिर वहाँ से कुछ अलग अलग देखते, फिर शायद आज स्टे करेंगे और कल वो जो केव्स हैं जो हमने मिस किए वो कल देखेंगे, और उसके बाद परसों शेगांव। तो बस चलो, तो अभी दौलताबाद किला पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से शुरू होगा ट्रैक वहाँ तक। हाँ चलो भाई अब मेहनत का काम है, वाह चलो एंट्री। यहाँ पे एक दरवाज़ा था, पत्थर डाल के बुझा दिया बोलते। हाँ ये देखो भाई तोपे, 21 तोपों की सलामी देंगे अपने को। हाँ हाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मस्थल किला, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखे, अलग अलग टाइप के तोप, और ये देखो उधर भी है, ये सारे तोपे हैं, और ये देखो
ये क्या है भाई? अरे बाप रे, अरे बाप रे, खतरनाक। वाह, और फोर्ट है वहाँ पे पेड़ों के पीछे। यार भाई, ये जो चीज़ है बाजू में बहुत ही सही है यार। इमेजिन ये जब भर के रहता होगा क्या सही लगता होगा। और पहले के टाइम पे औरतें वहाँ से नीचे जाके पानी लेके आती थी। क्या अलग ही डोले चोले रहते होंगे यार, क्या स्टैमिना, क्या हेल्थ, मतलब इतने नीचे से जाके। अभी तो यार एक मंजिल भी ऊपर नहीं चढ़ा सकते ज़्यादा। बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और बहुत टाइम अभी तो बस शुरू किया है। चलो जाते हैं। अभी तो खाली हो गया भाई, शायद नहाने के लिए होगा ये। अरे इतना पुराना स्ट्रक्चर है, अभी भी इंटैक्ट है यार, क्या खतरनाक है। मतलब पहले पतला, फिर एकदम बड़ा, फिर पतला, फिर बड़ा, फिर पतला, फिर मस्त है, मस्त है, एक ही नंबर। चलो, पहले के ज़माने के मटके जो भी कूड़ादान बन चुके यार। भाई मत करो ये ऐसा। चलो चलो, तो भी मैं और भैया यहाँ से ऊपर जहाँ तक जाते हैं वहाँ तक रेस करेंगे। जो सबसे पहले पहुँच गया या थक गया वो हारेगा, ठीक है। 1, 2, 3 पहले पहुंचा। बैठते बाप रे, सामने की तरफ तो भूल भूले है भाई। हा पुलाचा रस्ता नव्हता, खालचा पायऱ्याचा रस्ता नव्हता। पुलाचा रस्ता हैदराबाद निजामनी बनवलेला, पायऱ्याचा रस्ता औरंगजेबच्या काळामध्ये बनवलेला। त्या काळामध्ये आत कधी यायला रस्ता नव्हता, त्या काळामध्ये आत कधी यायला चांबड्याचं बेल्ट बनवलेलं होतं। राजाचे शिपाई लोक आतमध्ये घ्यायचे म्हणजे चांबड्याचे बेल्ट खंतकावर फेकून द्यायचं आणि त्याच्यावरून शिपाई आतमध्ये घ्यायचे। शत्रू यायला लागला म्हणजे तो काढून घ्यायचा, रस्ता बंद होऊन जायचा। रस्ता बंद झाल्यावर खंतकात पाणी असायचं, पाण्यातून जरी शत्रू पोहून आलं तर आतमध्ये मगरमच्छ त्यांना खाऊन घ्यायचे। बाय चान्स इथून बी शत्रू वाचून गेलं तर पुढे बोलवलंही आहे। एकदा शत्रू आतमध्ये गेले म्हणजे तो वर बी जाणार नाही, वापस बी येणार नाही, त्याला भूल मध्ये माहिती। काय तोच पायऱ्याचा रस्ता जे सांगू लागलो, तोच पायऱ्याचा रस्ता। अभी थोड़ा बेटर लग रहा है, छाओ छाओ। जर इथून जर शत्रू वाचून आलं तर ही लहान खिडकी दिसती ना, इथं मारले जाणार। पूर्वीच्या काळामध्ये असं पूर्ण झाकलेलं छत होते, इथं पूर्ण अंधार होत, ते दगड कच्च असल्यामुळे पाणी पावसाने पडून गेलं। ते पडल्यानंतर गव्हर्नमेंटने 1952 मध्ये वर चढायला पायऱ्याचा रस्ता बनवलेला आहे। पूर्वीचा हा एकच रस्ता होता आतमधून, तर पूर्वीच्या काळामध्ये याच्यावरती छत असल्यामुळे आपण या पायऱ्या उतरून आलो। इथे लाकडी गेट बसवलेलं होतं, किल्ल्याचे राजे शिपाई लोक आतमध्ये घेतले म्हणजे लाकडी गेट आतून बंद करून घ्यायचं। तो गेट बंद केलं म्हणजे शत्रूला येण्यासाठी ती लहान खिडकी। शत्रू येईल तर मान वाकून येईल, साईडला शिपाई लोक उभे राहायचे, जे शिपाई लोक त्याची मान तलवारीने कापून टाकायचे आणि दुसऱ्या माणसाने त्याची डेड बॉडी उचलून त्या 2 नंबर खिडकीतून खाली खंतकात फेकून द्यायचे। कारण जो पाठीमागून येणार असतो त्याला त्याची खबर मिळून म्हणून खाली फेकून द्यायचे। बाय चान्स एखादं शत्रू हुशार असलं तो आतल्या जंपलावून आतल्या शिपायला मारून आलं तर इथं वरती 3 खिडक्या आहेत, त्या 3 खिडक्यामध्ये शिपाई लोक लपून बसायचे। जसे शत्रू आतून जाणे तसे वरतून 3 चमटा भालांनी मारायचे। तर पूर्वी इथं अंधार असायचं, अंधाराचा माणूस कधी बी पुढं उजेडाकडे जाणार, पुढं उजेड आहे। अगर वहां से आ गए बचके भी, यहाँ पे कैसे लाइट है तो एकदम से दिखता नहीं है।
सो उतने टाइम में यहाँ पे दो रास्ते की इधर एक उधर, तो उतने टाइम में जब तक वो डिसाइड कर ले कहाँ जाना तब तक ऊपर से सिपाही लोग गरम गरम तेल या पानी वगैरह डालते थे उनके आँख पे। अभी हमने बस ऑलमोस्ट 50-60% किला कवर किया, यानी फोर्ट ऊपर आए हैं, फोर्ट के ऊपर, और अभी ऑलमोस्ट 350-400 स्टेयर्स और हैं, और ये नॉर्मल स्टेयर्स तो डेफिनेटली हैं पुराने ज़माने के हैं। और पुराने ज़माने से मेरा मतलब है कि ऐसे स्टिप 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 ऐसे सीधे नहीं है ना, थोड़े स्लैंटिंग स्लैंटिंग में रहते हैं, सो ये थोड़े और डिफ़िकल्ट जाते चढ़ना। सो ठीक है, जाते हैं। और यहाँ की एक बात मुझे अच्छी लगी, लोग क्या करते हैं पानी वानी लेके आते बॉटल में और यहाँ पे ऐसे फेंक देते हैं कचरे सामान, ठीक है, वहाँ पे तो बहुत सारा कचरा। तो इन्होंने अभी एक शुरू किया, ये ऐसे स्टिकर लगा देते जाते टाइम और 20 रुपये ले लेते हमसे। अगर वापस आते टाइम ये बॉटल विद स्टिकर आप वापस देते हो तो आपको जो 20 रुपये दिए वापस मिल जाएंगे या फिर 20 रुपये चले गए क्योंकि आपने कचरा किया है। तो यार ये बहुत सही चीज़ है, ये हर जगह चलनी चाहिए, आई लाइक इट। तो कभी ऊपर जाते हैं। सो अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं और हमें वहाँ पे जाना है। हाँ बाप रे, व्यू देख लो भाई थोड़ी देर। ओए वाह, मुझे लग रहा है कि वो वाला भी एक कोई तो फोर्ट है, पता नहीं कौन सा है, पूछना पड़ेगा। और ये जो पानी दिख रहा है ये किले के ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर के लाइक ऐसे घूम के पूरा, अभी तो पूरा सूख चुका है। चलो जाते हैं। समृद्धि महामार्ग, समृद्धि महामार्ग। तो यार अभी ऊपर तक आए हैं, बस थोड़ा सा ही बाकी है, पूरा का पूरा थक चुके थे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मंदिर वंदिर में बैठे और यहाँ पे वो जो अभी दादी आपको दिखी होगी वो अपनी स्टोरी बता रही थी थोड़ी सी, लेकिन कंप्लीट नहीं थोड़ी सी यार, जो इंस्पायर्ड हो गए और वैसे मोटिवेशन या जो बोलते अच्छी वाइब या थोड़ा पॉजिटिविटी वो फील हो रही थी। तो बहुत अच्छा लग रहा है, अभी अभी ऐसा लग रहा है 2 मिनट में ऊपर चढ़ जाऊँगा यहाँ पे, हेलो यहाँ पे आराम से चढ़ जाऊँगा। सो बताता हूँ उनके बारे में। सो वो हर रोज़ ऑलमोस्ट 25 साल से बॉटम ग्राउंड से, ठीक है, वो ऑलमोस्ट वहाँ से ऊपर आते हैं पानी तेल सब कुछ लेके, एंड उनको कोई सैलरी वगैरह कुछ नहीं, वो खुद के श्रद्धा से करते हैं। सो यार बहुत सही है ये चीज़। चला जी ये तो यार सीरियसली ऑलमोस्ट आई गेस एज तो नहीं पता एग्जैक्टली, बट आई गेस 50 तो क्रॉस है इजीली। सो स्टिल उनको कोई प्रॉब्लम है लाइक ना घुटनों में दर्द ना कभी सर्दी खांसी कुछ नहीं, बुखार होकर, एंड 25 साल नॉन स्टॉप वो ऊपर आए हैं, इवन कोरोना में भी जब लोग नहीं आते थे, सुबह ऑलमोस्ट 6-7 बजे आते एंड देन शाम में आई गेस 7-6 बजे बंद करके वापस चले जाते। चलो अभी अच्छा लगा मिलके, चलो जाते हैं अभी ऊपर। सो भाई फाइनली अभी ऊपर पहुंच चुके हैं, वो है अपना समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे जहाँ से हम आए थे, जाएंगे भी वहीं से। और इधर देखो उधर मस्त बारिश हो रहा है और बारिश उधर के उधर ही जा रही है, अभी ये बस इतना चढ़ना है, इतना देख लेंगे और फिर निकलते हैं। और ऊपर से यार मेरे फ़ोन की बैटरी भी बहुत कम है तो आई डोंट थिंक कि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगा ज़्यादा। यार वहाँ पे भी शायद कोई फोर्ट है लेकिन पता नहीं कौन सा है। और यहाँ पे देखो एक गेट है, क्योंकि मैं उंगली करके दिखाता हूँ, ये वाला एक गेट है और जो दूसरा गेट है वो यहाँ पे, कहाँ पे गया, यहाँ पे, ऐसे बहुत सारे गेट होंगे। चलो अभी ऊपर जाते हैं। सो अभी हमें इसके बीच में यहाँ से आए थे
और अभी जाएंगे और ऊपर। चलो यार, ये बहुत मस्त सा प्लास्टर था यार, लोगों ने ना अपने अपने नाम लिख के रखे ऐसे बहुत जगह पे थूक थाक के। यार अभी तक लग रहा था यहाँ तक ही है, ऊपर आए तो पता चला ये भी चढ़ना है। सरप्राइजेस मिलते रहते हैं लाइफ में, लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइज। लेकिन ये देखो, बारिश ही बारिश। लेजिट लग रहा होगा कि मेरे आवाज़ में दम नहीं है, इनफैक्ट मुझ में भी दम नहीं है, जैसे तैसे चल रहा हो बस। चलो भाई, देखो नीचे भी कुछ तो है, पता नहीं क्या है। चलो ये देखो अपनी माते, मम्मी मम्मी मेरी मम्मी। मेरे हिसाब से 100% तुम मुंबई आओ, चले जाओ उनके साथ। बाय। क्यूट है यार। सो अभी मैं हाईएस्ट पॉइंट पे, ये देखो व्यू, वाह, यहाँ से दूर दूर तक दिखता है भाई। कैसे नहीं मारेंगे या बचाएंगे अपने राज्य को, सब दिख जाता है कौन कहाँ से आ रहा है। हाँ, और ये जो तोप है आई गेस कुछ 13-14 फुट की है और 14 टन की तोप है, 14 टन भाई साहब, सही है। और इसका फायरिंग रेंज है 15 किलोमीटर्स, जबरदस्त, कितनी बड़ी है बाप रे, सही है सही है यार भाई, इतनी मस्त तोप है। और यहाँ पे देखो टीवी, किसी ने कलाकारी करके दिल निकाला है बढ़िया। और यहाँ पे कुछ पुराने अक्षर वक्षर है, यहाँ पे बारूद, ये भी किसी ने कारागिरी की है, बहुत कुछ लिखे यहाँ पे देखो, अलग अलग अलग। हाँ खूब कह लिया था, क्या यार ऐसे नहीं करने को ना, ठीक है। इतनी सुंदर तोप आई थी, ये पूरी तोप यही के यही पे बनाई है, कहीं से लाई नहीं है, कैसे बनाई होगी, सर भारी है। सो 1% बैटरी है, 5 बज चुके हैं और नीचे जा रहे हैं, कैमरा भी थोड़ा सा अटक रहा है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं कृष्णेश्वर मंदिर में, जो कि 12वां ज्योतिर्लिंग है पूरे इंडिया में से। और बादल देखो भाई कितना मस्त मूव हो रहे हैं, आ हा हा। तो वो वाला मंदिर है, वो जो पेड़ के पीछे दिख रहा है वो मंदिर है, ये बाबा की समाधि है। सो अभी वहाँ पे जाते हैं, चलो। हमेशा का है, जैसे उतरते ऐसे जगह पे ये पीछे पड़ जाते हैं कि ले लो ले लो ले लो ले लो। लेकिन इवेंचुअली होता क्या है, बहुत सारे नए नए जगह पे ये हम ले तो लेते हैं और फिर जैसे अंदर चले जाते हैं वो मतलब बाहर ही फेंकने को बोल देते हैं, क्योंकि कैसे प्रीमिसेस वो गंदा नहीं होने देते, तो इसलिए थोड़ा सा अवॉइड कर लेते हैं, फालतू पैसा भी बर्बाद। मंदिर के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था तो मैं डेफिनेटली कुछ शूट नहीं कर पाया, तो अभी हो गया आरती वगैरह भी हमने अटेंड की, हमारे नसीब में थी आरती। और अभी बस आए हैं हम गंदे बाबा भक्त निवास में और यहाँ पे स्टे करेंगे बढ़िया, और सुबह 10 का चेकआउट है, लेकिन मोस्टली सुबह निकल जाएंगे क्योंकि वो केव देखना है, फिर सीधा घर निकलना है, तो बहुत लेट हो गया, तो देखते अभी कैसे क्या होता है, इसके बाद खाना खाएंगे पेट भर के और फिर नीचे सो जाएंगे। तो ठीक है, मे बी आज का यही पे एंड होगा, अगर नेक्स्ट आता है तो डेफिनेटली पता चल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।